हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या यूट्यूब चैनल। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनकी मुख्य परीक्षा होने वाली है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ आपके पास कॉल लेटर आता होगा, कॉल लेटर के ऊपर आपने हमारा वीडियो देख लिया है कि बच्चों के पास कॉल लेटर भेजना चालू हो गया, उनमें ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके हर एक बच्चे के पास, जितने भी लोगों के पास कॉल लेटर आएगा उनमें ये दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रहेगा, पहला ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। देखो ये कौन सा है, ये आय व्यय के संबंधी है, यानी कि जो यात्रा व्यय होगा आपका, जो भी आप मुख्य परीक्षा देने के लिए जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, कैसे भी जाओगे रिजर्वेशन करवा के, तो आपका जितना भी पैसा खर्च होगा जाने में, खर्च पानी में जो भी है, तो वो आपको ये जो डॉक्यूमेंट आपको कैसे भरना है और इसके इसकी मदद से आपको क्या मिलेगा। देखिए इसकी मदद से आपको पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा, समझ रहे हो। यानी कि आपका जो भी पैसा खर्च होगा विद्याज्ञान स्कूल के जाने में, मुख्य परीक्षा आप बच्चे को दिलवाने जाओगे, ट्रेन से जाओगे, जितना भी आपका पैसा खर्च होगा आप इस डॉक्यूमेंट को वहां पर भर के जमा करोगे, तो आपका जो पैसा है वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, जितना भी आपका खर्च हुआ होगा, ठीक है, आपके हिसाब से। अब यहां पर दूसरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट वो है कि आपने मुख्य परीक्षा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर जब आप मुख्य परीक्षा देने गए तो वहां पर प्रस्तुत किया आपने, दोनों डॉक्यूमेंट्स को कैसे भरना है मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, दोनों डॉक्यूमेंट हैं, पर मैं इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट आपको भरना सिखाऊंगा वो एक डॉक्यूमेंट भरना सिखाऊंगा, कोई सा भी ले ले रहे हैं, हम ये वाला ले ले रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये वाला मैं साइड में रखता हूँ, ये अगले वीडियो में भरना सिखाएंगे, पहले ये वाला भर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये आपके पास कहाँ से आएगा, ये डॉक्यूमेंट बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहेगा, अजय भैया ये कहाँ से आएगा, तो भैया ये आपके कॉल लेटर में आएगा और ये आपको भर के ले जाना है घर से, ठीक है। दोनों डॉक्यूमेंट आपको घर से भर के ले जाना है। दूसरा वाला डॉक्यूमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए मैं अलग से ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर इसको भरना कैसे है, तो भरने के लिए आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी, जिस तरीके से मैं भरूंगा उस तरीके से आपको भरना है। देखो यहाँ पर आप पहले तो देखो यहाँ पर लिखा है विद्याज्ञान मुख्य परीक्षा 12 फरवरी। देखो ये जो है ये 12 फरवरी वाला प्रारूप है, जिनका जिनके पास कॉल लेटर आएगा, मतलब जिन बच्चों का 11 फरवरी को होगा उनका 11 फरवरी लिखा रहेगा यहाँ पर, उनको 11 फरवरी को जाना है पेपर देने, और यहाँ पर 12 फरवरी लग रहा है तो ये 12 फरवरी को पेपर होगा बच्चे का, ठीक है। दो दिन में मुख्य परीक्षा होने वाली है, 11 और 12 फरवरी को होने वाली है, तो आपको पता ही है। और जैसा ही आपका आपके पास जो कॉल लेटर आएगा उसमें यहाँ पर लिखा रहेगा, अगर 11 लिखा रहेगा तो 11 को आपको पेपर है, अगर 12 लिखा रहेगा तो 12 को, वो तो आपको पता ही है सब बातें, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा विद्याज्ञान मुख्य परीक्षा 12 फरवरी में सम्मिलित होने के लिए यात्रा व्यय धनराशि का भुगतान संबंधी विवरण का प्रारूप, कृपया प्रारूप की पृथक छायाप्रति कराकर अग्रिम रूप से भरकर परीक्षा केंद्र पर जमा करा। देखो इसका क्या मतलब है, जो आपके पास आएगा वो ओरिजिनल रहेगा, एक हार्ड कॉपी रहेगा बेसिकली, उसकी आप फोटो कॉपी करवा के उसको भर के वहां पर भरना है। तो मेरे पास ये फोटो कॉपी है, आप देखिए पीछे कुछ भी नहीं है, मैं अभी गया था यार अपने, मतलब जल्दी जल्दी मैंने सोचा ये वीडियो बनाना चाहिए आप सभी के लिए, मुझे लगता है जो वीडियो इंपॉर्टेंट है मैं जरूर बनाता हूँ। तो अब इसको हम भरना शुरू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आए अभ्यर्थी का नाम एवं कक्षा, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम एवं कक्षा। अभ्यर्थी का नाम जस्ट सपोज करो कि मेरा नाम अजय कुमार है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अजय कुमार, आपको अच्छे तरीके से लिखना है, बाहर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, अजय कुमार। देखो यार जब वीडियो बनाते तो राइटिंग कुछ अलग ही आता है हमारा, है ना, राइटिंग अलग ही आ रहा है। और नाम हो गया अभ्यर्थी का नाम, यानी कि जो बच्चा है उसका नाम अजय कुमार हो गया मेरा, एवं कक्षा, कक्षा कौन सी है, ऐसे करके थोड़ा मार्क लगा के आपको फिफ्थ डाल देना है, यहाँ पर क्या डालना है, फिफ्थ, ऐसे करके, ठीक है, हमने फिफ्थ डाल दिया। यहाँ पर पिता का नाम, जो भी आपके पापा का नाम है वो आपको डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, देखिए जो मस्ट हैव यूज सिरी, क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ आपको नाम लिखना है, तो पिताजी का नाम आपका जो भी है वो आपको लिख लेना है, मैंने यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख लिया है, ठीक है, तो ये भी लिख लिया। निवासी, जो भी आपका निवास है वो आपको लिखना है, निवासी आपको इसके सामने नहीं लिखना है, यहीं पे लिखना है बॉक्स में, ये ग्राम का अलग से ये गांव का है, तो मैं गांव वाला पहले भर नहीं ये भर ले गांव वाला भर लेता हूँ, गांव का नाम है मेरे रुदेना, ठीक है, तो भैया रुदेना के रहने वाले हैं हम, RBC रुदेना बॉयज क्लब तो गांव का नाम आपको भर लेना है, रुदेना जो भी आपके गांव का नाम है वो आपको यहां पर डालना है, निवासी जहां के आप रहने वाले हो, तो मैं रहने वाला हूं यहां पर, पूरा आपको एड्रेस डाल देना है, थोड़ा सा ऐसे करके नगर पंचायत रुदायन का रहने वाला हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, जो भी आपका यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नगर पंचायत, नगर पंचायत रुदायन, ठीक है, तो ये एड्रेस होगा। ट्राई कीजिएगा, अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो छोटा छोटा लिखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है, अपने हमना हमना मतलब हमने अपना नाम डाल दिया, बच्चे का नाम यहाँ पर पड़ेगा, बच्चा कौन सी क्लास में है वो डालना है, कक्षा, पिता का नाम डालना है, निवासी जो भी आपका एड्रेस है वो डालना है, गांव का नाम है रुदेना, रुदेना मैंने डाल दिया, जो भी आपके गांव का नाम है अपना अपना डालना है यार, मेरा मत डाल देना, ठीक है, अपना अपना डालो भैया।
और पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे, जहाँ जिसके जरिए आपका डाकखाना जहाँ पे भी रहता है वो आपको डालना है। तो मेरा डाकखाना जो है वो रुदायन है, तो मैं यहाँ पर रुदायन भर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रुदायन भर लिया। अब देखो, अब आ गई हमारे घर पे लाइट और ऊपर वाली लाइट्स ऑटोमेटिकली चल जाएंगी, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है एकदम से। हाँ देखो चली ना, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ सबसे पहले। तो एक मिनट रुको, ये इतना कर लेता हूँ, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। ऑलराइट, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस जो भी है आपका, जैसे मेरा रुदायन है तो रुदायन मैंने डाल दिया। तहसील बिलसी, जो भी आपका तहसील है अपने पापा को बोलना कि पापा भरें, आप मत भरने लग जाना। तहसील हमारा पड़ता है बिलसी, तो बिलसी मैंने भर दिया। इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर आपको, जनपद, जो भी आपका जिला है, जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला जो भी है आपका। तो हम बदायूं के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं बदायूं भर लेता हूँ। पिन कोड क्या है, पिन कोड हमारा है 2437 24। जो भी आपका पिन कोड, आपको मैं अपना भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक डेमो के रूप में अपना मैं भर के दिखा रहा हूँ। पिन कोड आपको भर लेना है। पिन कोड हमने भर लिया, डिस्ट्रिक्ट डाली, सब कुछ डाल लिया। अब आगे पूछ रहे हैं ये प्रारंभिक परीक्षा का अनुक्रमांक नंबर। अनुक्रमांक नंबर आपका हो सकता है, देखिए सामने एक इंग्लिश का वॉवल, आपके पास आपका एडमिट कार्ड तो होगा अभी, है ना, एडमिट कार्ड होगा, वहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर होगा, यूनिक नंबर, ओएमआर शीट नंबर अलग होता है, वो बॉक्स में होगा। और ये वाला जो अनुक्रमांक नंबर है वो ऐसे लिखा रहेगा, जैसे सामने एक इंग्लिश का वॉवल लेटर रहेगा बी, और उसके बाद ऐसे लिख लेता हूँ बी 22 33 18। मान लीजिए ये है बी 22 33 18, तो इस तरीके से एक अनुक्रमांक लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड पर, वो आपको भर लेना है। यहाँ पर भर लोगे ना, अगर किसी को की दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6280935779 पर कॉल कर लेना। ठीक है, उसके बाद है सूचना पत्र में अंकित ओएमआर शीट नंबर। देखो मैंने बोला ये तो अनुक्रमांक नंबर अलग है, रोल नंबर जिसको बोलते हैं, ओएमआर शीट यानी कि यूनिक नंबर अलग है, तो यूनिक नंबर कुछ अलग से होगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना डालता हूँ 52 92 11, तो मेरा ये ओरिजिनल है, जब का मेरा एग्जाम हुआ था विद्याज्ञान स्कूल का, तो मुझे अब भी याद है ये मेरा रोल नंबर है, ये यूनिक नंबर था 52 92 11। ऑलराइट, उसके बाद बैंक का नाम डालना है आपको पांचवें नंबर पे, यहाँ पर अगले बॉक्स में। बैंक का नाम जैसे मैं यहाँ पर पूरा डाल देता हूँ। देखो अगर आपका बैंक का नाम पंजाब है तो PNB ना डालकर पूरा नाम डालिएगा, पंजाब नेशनल बैंक। अगर SBI यानी कि तो डालना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मेरा SBI है, तो हम डाल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शॉर्टकट ना डालो यार, पूरा डाल देना। PNB का मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक, पर आपको पूरा लिखना है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, बैंक शाखा का पूर्ण नाम एवं पता, तो बैंक शाखा का पूर्ण नाम एवं पता आपको डालना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इस्लाम नगर में है, तो मैं इस्लाम नगर डाल दूंगा। जैसे ये दे लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ डाल देता हूँ मैं, और नीचे कहीं पर मतलब छोटा करके आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस्लाम नगर। इस्लाम नगर, देखो मैंने ये आगे पीछे करके लिख दिया, पर आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको अच्छे तरीके से लिखना है छोटा छोटा करके। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी में करना पड़ता है। ऑलराइट बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर बैंक शाखा का पूर्ण नाम एवं पता भी डाल दिया। उसके बाद सेविंग बैंक खाता संख्या, तो यहाँ पर आपको खाता नंबर डालना है, जो भी है आपका, जितना भी है आपका वो डालना है यहाँ पर, मतलब जो भी है आपका वो डाल देना है आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं डालूंगा नहीं, मैं एक एग्जांपल में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके आपको डाल देना है अपना जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से भर लेना है। बैंक का IFSC कोड, ठीक है, तो IFSC जो कोड है, ये IFSC कोड आपको डालना जरूरी है। ठीक है, ये आपको डालना है, ये आपके बैंक की पासबुक पर हर एक की, जो भी आपकी पंजाब नेशनल बैंक है चाहे SBI है, सभी पे लिखा रहेगा। आपके पापा को आपको यहाँ पे आपके पापा को अच्छे से पता होगा, तो वो आपको IFSC जो कोड है, जो भी आपका नंबर है, जैसे पंजाब नेशनल का होता है PUNB जो भी होता है 00067, ऐसे करके आपको डाल लेना है, जो भी होता है ना वो आपको पासबुक में से देख कर डालना। अभी हम बहुत सारी चीज़ें भर चुके हैं, अभी ये वाला पूरा हमने भर लिया हिस्सा, अब आगे क्या है देखो, कह रहे हैं यहाँ पर आप देखो नोट, प्रतिभागी विद्यार्थी के अभिभावक की सेविंग बैंक पासबुक
का प्रथम पृष्ठ जहां अभिभावक खातेदार का नाम, बैंक का नाम तथा आईएफएससी कोड संख्या छपी है को पढ़ने योग्य छायाप्रति की परीक्षा केंद्र पर जमा कराना है। यानी कि आपके पास जो आपके बैंक की किताब है, बैंक की पासबुक है, उसका फ्रंट पेज होता है जहां पर अकाउंट नंबर लिखा रहता है, अकाउंट होल्डर का नेम लिखा रहता है या आईएफएससी कोड, उसकी एक फोटोकॉपी आपको करवा लेना है, ठीक है। और जमा करना है वहाँ पर, एग्जाम टाइम में आप जाओगे तो जमा करेंगे, मांगेंगे, वो अनिवार्य है, अनिवार्य लिखा है, जिससे बैंक खाते की यात्रा व संबंधित धनराशि का हस्तांतरण सुविधाजनक हो सके। यानी कि आपके जो पैसे आपके खर्च होंगे जाने से लेकर आने तक के, वो आपको वापस दिए जा सकें, तो आपको वो लेकर जाना है, ऑलराइट। और उसके बाद है यहाँ पर पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति पर वो एमआरसीट नंबर, यूनिक नंबर की संख्या अंकित, मतलब जितने भी आपके पास जैसे बैंक पासबुक की आप फोटोकॉपी करवाओगे उस पर अपना यूनिक नंबर, रोल नंबर आपको जरूर डाल देना है, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला गया। उसके बाद है यदि उपरोक्त सूचना प्रेषित नहीं की जाती तो शून्य लिखकर निम्न सूचना में प्रदान करें। तो यह सूचित करते हैं कि आय, स्थायी निवास, आयु एवं परीक्षाफल संबंधी समस्त विवरण की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई है। यह भी सूचित करते हैं कि विद्यार्थी के माता पिता निम्न प्रकार की राजकीय अथवा अर्ध राजकीय सेवा में स्थायी अस्थायी संविदा पर कार्य करते विवरण है, तो ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। अगर देखो आपको इतना चीज़ें भरनी है, बस ये नहीं भरनी है, यदि उपरोक्त सूचना प्रेषित नहीं की गई तो शून्य लेकर निम्न सूचना प्रदान करें। अगर ये आप नहीं भरोगे तो इनमें शून्य लिख देना और आपको ये डालना पड़ेगा, नीचे वाला ये भरना पड़ेगा। तो हमने ऊपर वाला भर लिया, इसको भरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अभिभावक का नाम डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपको डालना है, तो पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देते हैं फिर से। तो ये आप ना भरकर अपने पिताजी से बोलिए पापा जी आप भरें, ठीक है, तो वही भरेंगे। और विद्यार्थी से संबंध क्या है, ये पिता होंगे आपके, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। पता जो भी आपका वो आपको डाल देना है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ऐसे। और दूरभाष संख्या मतलब है कि आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप डाल देना, तो मैं यहाँ पर टीम का नंबर डाल देता हूँ 6280935779, जो भी आपका नंबर है वो आपको डाल देना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हस्ताक्षर करना है आपके पिताजी को, आपके पापा को, जो भी है, मतलब आप कर लेना, यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, ठीक है, बस ये काम करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना एग्जाम्पल के लिए अपना कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे करता हूँ, तो यहाँ पर मान लो मैंने अपना कर दिया ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पिताजी के सिग्नेचर होंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। हमने पूरा का पूरा ये जो प्रमाण पत्र है, यानी कि वैध धनराशि का भुगतान पत्र है, ये पूरा का पूरा हमने भर लिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका फोटो खींच लो, आप कुछ भी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, पर भरना सीख जाओ भैया। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप भी विद्याज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ था विद्याज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा में जो 18 दिसंबर को हुई थी, तो आपको विद्याज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, हमारे द्वारा पूरी की पूरी परीक्षा के लिए ई बुक बनाई गई है, ऑनलाइन कोर्स बनाया गया है। ये जो ऑनलाइन कोर्स है 399 रुपये का कोर्स है, पूरे के पूरे कोर्स को हाथों द्वारा लिखा गया है, हैंडमेड कोर्स है, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है मैं खुद विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ और मेरे द्वारा ये पूरे का पूरा कोर्स बनाया गया है। कोर्स की बात करूं तो कोर्स में आपको 661 पेज मिलेंगे और पूरा का पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन मिलेगा, यानी कि पीडीएफ के माध्यम से। और आपको पता है कि हमारे जो प्रारंभिक जो परीक्षा की हमने तैयारी करवाई थी, कोर्सेज बनाए थे, उसमें से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और हम गारंटी देते हैं इस बात की मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी उसमें से भी ये जो हमारा जो पूरा का पूरा कोर्स है 5 विषय में बनाया गया है। इस कोर्स को कैसे खरीदना है आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आप इस कोर्स को खरीद लेते हो तो आपकी विद्याज्ञान स्कूल की तैयारी एकदम, मुख्य परीक्षा की तैयारी एकदम बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगी और आप विद्याज्ञान स्कूल परीक्षा को भी पास कर पाओगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं भी पास कर चुका हूं और आपको भी सिलेक्शन में दिलाऊंगा, बस आप हमारा जो कोर्स है इसको खरीदिए, आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है। सारा का सारा स्टडी मटेरियल इस कोर्स में इंक्लूडेड है, तो कोर्स को आप जल्दी से खरीदिए। वीडियो में आगे बताया गया कि कोर्स को कैसे खरीदना है, तो आप वीडियो देखिए और हमारे जो ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का कोर्स है उसको खरीदिए। धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस कोर्स को आपको कैसे परचेस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा कोर्स खरीदने के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए कोर्स खरीदने के लिए यहाँ क्लिक करें, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पे आ जाओगे। आप साइड में देख रही है आपको खरीदना कैसे है, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जहां पर लिखा रहेगा, ये फोटो आ रहा है ना, विद्याज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 के लिए संपूर्ण कोर्स, मुख्य परीक्षा के लिए ई बुक। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोर्स आपको ऑनलाइन मिलेगा पीडीएफ के माध्यम से,
यहाँ पर कोर्स के बारे में सभी डिटेल्स हैं, ठीक है, डिलीवरी टाइम वगैरह जो भी आपको पढ़ना है, डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर दी रखी है। पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से, तभी आप कोर्स को खरीदिए। कोर्स खरीदने के लिए क्या करना है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप अमाउंट यहाँ पर आपको दिख जाएगी कितने रुपए का कोर्स है, 399 रुपए का पूरा कोर्स है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, जो भी आपका ईमेल है, पूरा का पूरा ईमेल आईडी आपको डालना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ godarmyyt4@gmail.com, ठीक है, ये जीमेल आपको डालना है अच्छे तरीके से फिल कर लेना है, कोई जल्दी बात नहीं है, gmail.com, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोन नंबर डालना है, जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6289-3577, ये हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद मैंने ये डिटेल्स अभी फिल कर ली, हमने ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया, फोन नंबर भी डाल लिया। उसके बाद आपको पे वाला बटन दिखा होगा आपको, है ना, तो पे वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे वाले बटन पर क्लिक करोगे, आप जिस भी चीज़ से पेमेंट करना चाहते हो, फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए, है ना, जो जिस भी से आप करना चाहो, तो मैं यहाँ पर पेटीएम से करना चाहूँगा। आप पेटीएम से करना चाहो तो पेटीएम से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पेटीएम पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पर लॉक लगा के रखा है पेटीएम पे फॉर माय सिक्योरिटी, ओके। तो यहाँ पर आपको पे पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करने के बाद आपको अपने पेटीएम में जो भी पासवर्ड आपने लगा के रखा है वो डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपका पेमेंट खुल, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पर लिख के आगे पेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिंपल एक बार बैक करना है पेटीएम से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पर बैक। उसके बाद आपको वेट करना है, यहाँ पर लिखा है आपका पेमेंट सक्सेसफुली आ गया और वेट प्लीज करना है आपको। फिर ये रिडायरेक्ट, आपको थोड़ा टाइम आपको वेट करना है, ये रिडायरेक्ट खुद ही हो जाएगा उस पेज पे। अब रिडायरेक्ट जब हो जाएगा तो हमारा जो कोर्स है विद्या ज्ञान स्कूल का मुख्य परीक्षा के लिए, वो कोर्स आपके फोन में खुल जाएगा, पीडीएफ खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर खुल गया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जो विद्याज्ञान स्कूल का पेपर हुआ था 18 दिसंबर को, वो आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएगा। अब यहाँ पर पेजों की संख्या देखिए, पेज नंबर 5 पे हूँ और वो साइड में दिख रहा है कि 661 पेज है इसमें। कितना, 661 पेज में बच्चों पूरा का पूरा कोर्स है। अब सबसे पहले ये कोर्स आपको बाद में देख लोगे आप, उससे पहले एक काम करना है, इसको आपको डाउनलोड जरूर कर लेना है। ये डाउनलोड का आइकन आ रहा है, इस पर डाउनलोड कर लेना है। फिर ये आपको ईमेल आईडी मांगेगा कि किस ईमेल आईडी पर आपको उसको डाउनलोड करना है। तो आप जिस भी ईमेल आईडी से डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने डाउनलोड ईमेल आईडी सेलेक्ट करके उस पर ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे फोन में क्या हो जाएगा बच्चों, सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कहीं भी छत पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, किसी भी टाइम इसको ओपन करके पढ़ सकते हो, या फिर आप इसका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हो। प्रिंटआउट मत निकलवाइएगा ना, 661 पेज का कौन निकलवाएगा, ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। अब ये कोर्स आपके फोन में खरीद लिया आपने, ये खुल जाएगा, जब भी आप इसको मन चाहो पढ़ सकते हो, पर डाउनलोड जरूर कर लेना है। और अभी जाइए जल्दी से इस कोर्स को खरीदिए। बाकी इस वीडियो को आप लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तब तक ले, बाय बाय, जय हिंद।